इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो जो मोबाइल का जो फिंगरप्रिंट ने मतलब जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन को कैसे हम लोग हटाते हैं। इसके लिए क्या होगा हमको, जैसे फेस रिकॉग्निशन में क्या होता है, बैटरी बहुत खड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस होता है, उसके बाद फेस को डिटेक्ट करता है, उसके बाद जो है मोबाइल का लॉक स्क्रीन खुलता है, तो बैटरी कम खिलाना है। इसकी वजह से हम लोग सेटिंग पर जाएंगे, मतलब बैटरी कम खिलाना है, इसकी वजह से हमको फेस रिकॉग्निशन को हटाना होगा। तो हम सेटिंग पर क्लिक किए, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा देखते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में है, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बाद जो हम लोग देखिए यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक दिखाई पड़ रहा है, तो बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे, और बायोमेट्रिक के बाद यहाँ पर ऊपर में देख रहे हैं फेस रिकॉग्नाइजेशन, ऊपर में क्लिक करेंगे फेस रिकॉग्नाइजेशन पर। उसके बाद जैसे जो भी पैटर्न आपका पैटर्न डालिएगा, और पैटर्न डालने के बाद रिमूव फेस डाटा को पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से रिमूव पर क्लिक कीजिएगा, तो यह मेरा रिमूव हो चुका है। तो आप लोग देखे कैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन को, आप देखिए यहाँ पर फेस पे जाइएगा तो यहाँ पर कुछ दूसरे टाइप का चीज़ ही आ रहा है, फिर से सेटिंग करने के लिए बोला है। आप लोग देखा जो कैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन को हटाया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।